रांची के एटकी में हुए सुमित उराव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के छोटे भाई दीपक उराव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद में आरोपी ने चाकू से गोद कर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और फरार हो गया था। उसके थाना में छोटी दीपावली के दिन की रात्रि में दो भाइयों के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता था और उसी विवाद घरेलू झगड़ा के वजह से दीपक उराव ने अपने बड़े भाई सुमित उराव की चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर और फिर वहाँ से चाकू और शरीर पर जो कपड़ा खून से लथपथ हो गया था उसको पुआल में छिपाकर अपने नानी घर भाग के चला गया था सिसई। इस सूचना की जब जानकारी मिली थाना प्रभारी को हमें, तो फिर DSP साहब के नेतृत्व में त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए टीम भेजी गई। उस टीम ने इमीडिएट पहले डेड बॉडी को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सिसई में रातों रात जाकर रेड किया गया, जहाँ दीपक वही छुप के बैठा हुआ था, जहाँ उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके निशानदेही के आधार पे ही वो चाकू बरामद हुआ है और शरीर पर जो कपड़ा था खून लगा हुआ वो भी छुपा कर रखा हुआ था वो भी मिला है। दरअसल इसमें बात यह है कि घरेलू विवाद की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, छोटी छोटी बातों को लेकर, जबकि दोनों भाई अभी शादीशुदा नहीं और हाल में ही दोनों अभी बुरमा मेला गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, वहीं से इसने दीपक ने चाकू भी खरीदा। ये विवाद तो बहुत पहले से ही चल रहा था, तो माइंड सेट उनका इस तरह का था ही कि बराबर कभी पिताजी को मारता है, कभी घर में हंगामा करता है, परेशान करता है, तो इसको हम साफ ही कर देंगे खत्म ही कर। इसी कारण से इसने हत्या की और अपने वालिया बयान में आपके सामने रखी है बात। अभी माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं, इनके अलावा और कोई इसमें है नहीं, चूँकि इनके पिता के बयान बिरसा उराव के ही बयान के आधार पर ये कांड दर्ज किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।